क्या हुआ? उसने बताया कि संयुक्ता कहाँ है? तूने कैसे सोच लिया कि मैं कोई सुराग छोड़कर जाऊंगा? तेरी ये हालत देखकर मुझे एक स्कूल में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई। बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था। राजा के दो वारिस थे, राजकुमार और राजकुमारी। राजा के मरने के बाद वो दोनों ही पूरा राज्य संभालने वाले थे। पर एक दिन राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना वो पूरा राज्य ही हड़प ले राजकुमारी को मारकर। लेकिन राजकुमारी को एक सैनिक से प्यार हो जाता है जिसे वो राज्य का शासक बनाना चाहती है। तो पता है उस राजकुमार ने क्या किया? अपने एक जासूस से उसने राजकुमारी को अगवा करवा लिया और गुफा में छुपा कर रख दिया। अब वो सैनिक हर जगह भटक कर अपनी राजकुमारी को ढूंढता फिर रहा है। लेकिन बस राजकुमार को पता है कि वो कहाँ है। और जानता है कि वो राजकुमार इस वक्त कहाँ है? वो उसी गुफा के बाहर खड़ा है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अगर राजकुमार ने राजकुमारी को मार डाला तो फिर राज्य का नया राजा बनूंगा मैं। लेकिन अगर सैनिक ने राजकुमारी को बचा लिया तो नया राजा बनेगा वो, यानी तू। चल अब बता, कौन बनेगा राजा? बोल, कौन बनेगा राजा? हाँ, तू या मैं? राजा, राजा मैं बनूंगा। तू कैसे बनेगा? तेरी राजकुमारी को तो मैं मारने वाला हूँ। अच्छा, राजकुमारी गुफा से भाग गई। What? कैसे किया? केवल एक घंटा है तेरे पास, केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को। क्या हुआ? हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर फार्म हाउस में क्यों रखा गया था? मतलब वहाँ कोई ऐसा कमरा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? नो चांस, हमने सभी रूम्स अच्छे से चेक किए थे। फार्म हाउस के हर कमरे के दरवाजे पर एक इंग्लिश लेटर था। क्या मतलब है उनका? यस, अरविंद। उसके नाम में 8 अक्षर है और फार्म हाउस में 8 कमरे भी। हर एक अक्षर एक एक कमरे के ऊपर लगाया गया है। लेकिन एन अक्षर का कमरा वहां नहीं था। मतलब हमें जाकर वही कमरा ढूंढना होगा। यस। सिर्फ 20 मिनट बचे। ए आई एच आर ए यही एंड तो हम ढूंढ रहे थे। मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। वैष्णवी, मैं संयुक्ता को लेकर कमिश्नर के पास जा रहा हूं। तुम मीडिया को लेकर वहां पहुंचो। ओके। विक्रमादित्य, क्या हीरो, अपने प्यार को बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल में पड़ी अपनी माँ को भूल गया? जाना नहीं चाहेगा कि तेरी माँ जिंदा भी है या किसी ने उसे मार दिया? विक्रमादित्य, तुम्हें मुझसे मतलब है ना? आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर चाहती हो कि उन्हें कुछ ना हो तो विजय को लेकर हमारी सीमेंट फैक्ट्री पर आ जाओ। चलो।
विजय, विजय, आंखें खोल बेटा, विजय, 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 माँ, विजय. लीजिए मैं आ गया. आप ही ने कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी, इसे बचाएंगी, तो बचाइए इसे, बचाइए. मेरा सपना था कि एस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मैं आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बदल दूं, और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा. तूने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की, नहीं? अब मैं इसे तेरी ही आंखों के सामने मारूंगा. चल अब बता, कौन जीता? तू जीता या मैं? हमारी हार और जीत तो इंसान के दो कदमों की तरह होती है, बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है. मानना पड़ेगा. तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो? तुझे लग सकता है कि तू मेरे सामने इसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता. अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है. कॉम्बैट मॉडल, 9mm पिस्टल, कैलिबर 45 ACP, ट्रिगर सिंगल एक्शन, मैगजीन कैपेसिटी 8 राउंड्स, वेट 1077 ग्राम्स, लोडेड मैगजीन वेट 123 ग्राम्स, टोटल वेट 1200 ग्राम्स. 1200 ग्राम की वजन वाली पिस्टल से जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिग्री के एंगल पर. मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है. बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे? बुलेट्स कैसे नहीं है, मैंने खुद लोड की थी. ये देख, ये रही बुलेट्स. पुलिस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट से भी ज्यादा तेज होना चाहिए. नाउ द शो बिगिन. Thank you.
योर गेम इज ओवर।